राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। अमेरिका ने गुरुवार को मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा है कि अगर भारत मदद मांगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि ये भारत का आंतरिक मसला है, हम जल्द से जल्द शांति की उम्मीद करते हैं। वहाँ के हालतों पर हमें कोई रणनीतिक चिंता नहीं है, हमें लोगों की चिंता है। दरअसल कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने उनसे मणिपुर पर सवाल पूछा था। इसके बाद जवाब में गार्सेटी ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के बच्चों और वहां मर रहे लोगों पर चिंता जाहिर करने के लिए किसी का भारतीय होना ही जरूरी नहीं है। गार्सेटी ने ये भी कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की हुई है, शांति किसी भी इलाके के लिए काफी बेहतर चीजें लाती है। अगर मणिपुर में हिंसा खत्म होती है और शांति स्थापित होती है तो हम वहां निवेश करेंगे, हम नए प्रोजेक्ट्स भी लाने के लिए तैयार हैं। गार्सेटी ने लोकतंत्र पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र काफी मुश्किल है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करना काफी मुश्किल काम है। अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था, हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा, भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है पर हमें पसंद नहीं कि कोई हमारे मामलों में दखलंदाजी करे। अमेरिका में गन से होने वाली हिंसा में कई लोग मारे जाते हैं, नस्ली दंगे होते हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें इस पर लेक्चर नहीं दिया। नए राजदूत को भारत अमेरिका के रिश्तों के इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।